हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार गाइस, आज की वीडियो ना मैं उन बंदे को ले गया हूँ, मतलब जो जिसे मतलब अपने घर की चीज चेक करनी है। जैसे यार आपकी समथिंग मोटर, मानो आपकी मोटर खराब हो गई, तो यार आपको उसे चेक करना है घर पर। तो यार आप उसे मेन बोर्ड में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यार मेन बोर्ड में अगर आप लगाओगे बाय चांस उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यार आपकी घर की लाइट जा सकती है या खराब हो सकती है। तो गाइस उसी के ऊपर में ना मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना गाइस, आप पूरे कनेक्शन सीख जाओगे सीरीज के कैसे कनेक्शन होते हैं गाइस। तो यार चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होने से पहले यार क्या मांगते हैं यार, सिर्फ एक लाइक ही तो मांगते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर चैनल पे नए हो तो। चलो गाइस चलते हैं वीडियो की। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 5 पिन का बोर्ड ले लेना है और एक स्विच और एक 2 पिन सॉकेट ले लेनी है। और इसमें का एक होल्डर ले लेना है और उसमें तार जोड़नी है, दो वो की छोटी छोटी जोड़नी है। सबसे पहले हम ये दोनों इसमें फिट करेंगे। ये स्विच इधर लगाएंगे हम और ये जगह अभी हम छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ दिया अभी हम आपको बताएंगे। तो गाइस जैसे कि बताया था, इन दोनों को हमने फिट कर लिया है। ये जो इनको टिनी नट पेंच बोलते हैं, ये इसी स्विच और 2 पिन सॉकेट के साथ आते हैं। अब इसको होल्डर को फिट करना है, तो यार इसको ये दोनों तार इसकी इसमें से निकाल लेंगे। और यहाँ पे ना, यहाँ पे कौन सा वाले पेंच लगाना है आपको, काले काले पेंच लगाना है। ये देखो गाइस, ये मजबूत तरीके से टाइट हो चुका है। अब इसके कनेक्शनों की बारी आती है, जो कि यार कनेक्शन ही इसके मेन है। मतलब पहले हम इनके सारे पेंच ढीले कर लेंगे, सब ढीले ही हैं। और फिर क्या करना है, देखो दो आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं तार के, जो कि दोनों सेम ही होने चाहिए। देखो एक क्या करेंगे हम, इसके एक स्विच में डालेंगे हम। कनेक्शन ध्यान से देखना है यार, दूसरे तार भी स्विच में टाइट कर देंगे। देख सकते हैं गाइस, ये मैंने दोनों तार इसमें टाइट कर दिए हैं। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये हमारे होल्डर की तार आ गई और ये हमारे दो उसकी तार आ गई स्विच की। तो गाइस अब क्या करनी है, अब आपको मेन तार लेनी है, जो कि इसमें आप तार जोड़ोगे मेन। अभी हम फिलहाल इसमें ये वाली तार जोड़ते हैं मेन। और देखो एक इसका एक सिरा ले लेंगे कोई सा भी। देखो आप, हमने 11 सिरा ले लिया है इसका। इसका जो एक होल्डर का तार है उसको छील के इसको जोड़ देंगे इसमें। अब देखो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी एक ये वाली तार बची है, एक होल्डर की और दो स्विच की। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये आपको तार छीन लेनी है और इसको इसमें लगा देनी है, इसकी एक 2 पिन सॉकेट में एक तार लगा देनी है होल्डर की। और इसको इसमें लगा देना है। गाइज अब हमारी ये दोनों तार बची हैं, हमारे पास कोई पोल भी नहीं है। तो देखो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमने इसकी एक तार ये टाइट करी थी ना, इस तार को हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद ये जो हमारी एक मेन तार बची है इसको इसमें जोड़ देंगे। और इस तार को हम इसमें डाल देंगे आराम से। अभी हमारी एक तार बची है सिंपली, अभी हमारी एक तार बची है। देखो इस तार को अब क्या करेंगे हम, अभी इनको साइड को करेंगे। ये हमारी एक तार बची है। अब देखो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, ये जो होल्डर की तार है इसकी, ये वाली तार इसको खोल लेंगे हम। अब खोलने के बाद देखो गाइज क्या करेंगे, ये एक तार बची है और हमारी और ये वाली एक तार बची है, इन दोनों को आपस में जोड़ करके इसमें डाल देनी है सिंपली। यार गाइस देखो कनेक्शन मैंने कर दिए और आई होप आप कनेक्शन भी समझ गए होंगे। देखो ध्यान से देख लेना गाइस यार, अगर आपने एक तार भी अगर गलत लगाया ना, तो यार आपकी पूरी लाइट बेकार हो सकती है, आपकी पूरे घर की लाइट में मतलब आग लग सकती है गाइस। तो यार बिल्कुल ध्यान के साथ ही करना। अब सिंपली देखो क्या करना है, इसको भी पीछे से हमें बंद करना है। तो यार देखो एक हमें शीट ले लेनी है, आप गत्ता ले लेना है या प्लाई का टुकड़ा ले लेना है। अभी मैंने खाली शीट ली है। इस शीट को क्या करेंगे, इन तार को यहाँ पर रख देंगे ऐसे करके, ये इसमें ग्रांट लगा देंगे जिससे कि बाहर ना निकले। और इस तार को निकालेंगे हम यहाँ पे। देखो गाइस यार कनेक्शन यार एक बार और दिखा रहा हूँ मैं आपको, समझ गए ना गाइस। अब इसको ऐसे ही हम फिट कर देंगे इसमें और इसको लगा देंगे हम इसमें।
और गाइज इसमें ना मैंने दो सुराख कर लिए थे इनको रोकने के लिए। देखो सिंपली आपको ये वाले ये दोनों आपको पेज लेने हैं, इनको खोल करके ना इसमें लगा देना। तो गाइज ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली इन दोनों नटों को ना काट लेंगे। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो है हमारे दोनों नट हमने काट लिए हैं कटर की मदद से। अब गाइज इसको हमें टेस्टिंग करनी है, तो यार टेस्टिंग के लिए हमें बल्ब भी चाहिए होगा। देखो ये अभी मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ, ये हमारा बल्ब अगर इसमें ऐसे करके लगेगा, देखो गाइज ये लगेगा। और अब हमें इसके लिए तार भी चाहिए, और तार का एंगल चाहिए हमें, जैसे कुछ चीज़ चेक करनी है। तो देखो मैं चेक करके भी दिखाऊंगा आपको, इसको जो बोर्ड की तार है ये मैं मेन में लगाऊंगा। आप देखो गाइज अभी ये हमारा बल्ब जल रहा है और इससे ही बंद हो रहा है। अब हमें ये और चेक करना है गाइज ये कैसे काम कर रहा है। तो यार देखो इसको हमें सिंपली दो ले लेनी है तार, और ये हम लगा देंगे इसके अंदर। और अब इसको हम शॉर्ट करेंगे गाइज, देखो बल्ब जलेगा अभी हमारा। गाइज आप कनेक्शन समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ चीज चेक करके भी दिखाता हूँ गाइज। अब ये तार लगा रखे हैं मैंने इसमें, ये हमारे ड्रायर की तार है। अब इन दोनों तारों में मैं लगाऊंगा, इसका पहले बटन ऑन कर लेते हैं हम। ये देखो गाइज बल्ब हल्का जल रहा है इसके मुकाबले पे। ये देखो अभी हमारा फुल तेज जल रहा है और ये हल्का जल रहा है, इसका मतलब हमारा ये ड्रायर सही है।